सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप हिस्ट्री क्लासरूम में। जैसा कि आपको मालूम है, हमने क्लास टेंथ का ग्रामर का जो पोर्शन है वो स्टार्ट करा दिया है। इसमें मैंने एक टॉपिक का एक छोटा सा भाग करा दिया था जिसका टॉपिक था हमारा सेंटेंस एंड देयर काइंड्स। उसमें आपको हमने सेंटेंस बता दिया, उसकी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो पिछली वीडियो में बता दी थी, उसके बाद उसके प्रकार बता दिए थे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो से रिलेटेड ही ये वीडियो है। क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसमें आपको समझ में बहुत कम आएगा, क्योंकि ये जो है ना ये आपका सीक्वेंस चलने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हम सीक्वेंस में आपको ग्रामर को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके आना आप, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यूपी बोर्ड के लिए क्लास टेंथ का ग्रामर हमने चालू किया हुआ है, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो इनके हम पढ़ेंगे पार्ट्स, इसके सब्जेक्ट के और प्रेडिकेट के। तो इस सब्जेक्ट में क्या आने वाला पड़ेगा, आपके सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं, कितने भागों में सब्जेक्ट को बांटा जाता है, उससे उसके बाद प्रेडिकेट को कितने भागों में बांटा गया है, प्रेडिकेट कैसे बनता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम सब्जेक्ट को ले लेते हैं। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो देखिए सब्जेक्ट को हमने बांटा है तीन भागों में हमने सब्जेक्ट को बांटा हुआ है। तो इधर जो हम रखेंगे उधर रखेंगे मेन वर्ड को, मेन वर्ड, और इधर हम रखेंगे क्वालिफायर को, क्वालिफायर, और इधर हम डिटरमिनर को रखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या होता है मेन वर्ड, क्या होता है क्वालिफायर और क्या होता है डिटरमिनर, इनके बारे में हम बात करेंगे एक सेंटेंस को लेके। एक सेंटेंस हम इसमें ले लेंगे तो उसके हिसाब से हम आपको बता दें क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा माई फादर हैज गॉन टू दिल्ली। ठीक है, मेरे पिताजी कहाँ गए हैं, मेरे पिताजी गए दिल्ली। ठीक है, अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड कौन है, फादर है। क्योंकि फादर इस वर्ब को, क्या फादर कहीं जा रहा है या मेन करता है, वो फादर हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मेन वर्ड, क्या कहेंगे मेन वर्ड। उसके बाद इसके जो आगे आएगा, क्योंकि मेन वर्ड से आगे क्या आता है, क्वालिफायर आता है, तो इसे हम क्वालिफायर कहेंगे, क्या कहेंगे इसे क्वालिफायर कहेंगे। तो इस तरह से इसमें आपको मालूम पड़ जाएगा। इसी प्रकार से एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा अ यंग बॉय आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। ठीक है, इन द ग्राउंड, तो अ यंग बॉय आर प्लेइंग इन अ ग्राउंड, मतलब एक जवान लड़का है वो खेल रहा है मैदान में खेल रहा है। ठीक है, तो इसमें मेन वर्ड क्या है, बॉय, क्योंकि बॉय कार को पढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा मेन वर्ड, क्या हो जाएगा मेन वर्ड। उसके बाद ये यंग क्या हो जाएगा, आपका क्वालिफायर हो जाएगा। उसके बाद जो ए आया है, ए आपका डिटरमाइनर कहलाएगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के तीन पार्ट में ये सब्जेक्ट बढ़ जाता है, कौन कौन से में, मेन वर्ड होता है, मेन वर्ड के बारे में बता दिया आपको, क्वालिफायर बता दिया, इसमें आप सेंटेंस में देख सकते हो, उसके बाद आपका डिटरमाइनर होता है। ठीक है, इस तरह से आप इनको चेकआउट कर सकते हो, इनका हमने यहाँ पे बना दिया है, तो आपको यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा। देखो मेन वर्ड आपने अगर छांट लिया, ठीक है, तो उसके बाद आप क्वालिफायर भी छांट लोगे, और अगर मेन वर्ड आपने छांट लिया तो उससे आगे होता है क्वालिफायर, और क्वालिफायर से भी आगे होता है डिटरमाइनर। ठीक है, क्वालिफायर से आगे क्या होता है, डिटरमाइनर होता है, तो ये आपका क्वालिफायर हो गया, यानी उसके बाद आगे आएगा वो डिटरमाइनर होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि सब्जेक्ट को हमने कितने भागों में बांटा हुआ है। तो सब्जेक्ट को हमने मेनली तीन भागों में बांटा हुआ है,
इंटरमीडिएट क्वालिफायर मेन वर्ड। तो मेन वर्ड से हम आगे इधर से समझेंगे तो अच्छा समझ में आएगा हमारे, ठीक है। तो मेन वर्ड से क्वालिफायर हो गया, क्वालिफायर से आगे हो गया इंटरमीडिएट, ठीक है। इस तरह से हमने सब्जेक्ट के पार्ट की बात कर ली इसमें। अब हम लेंगे प्रेडिकेट को, इसे हम साफ कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रेडिकेट के बारे में बात करेंगे। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से आपको बताया है, ठीक है। और इस तरीके से आप इस सब्जेक्ट के बारे में आप जान रहे हैं कि सब्जेक्ट में क्या क्या चीज आती है। क्या आता है? डिटरमाइनर आता है, क्वालिफायर आता है, और क्वालिफायर के बाद आपका आता है मेन वर्ड। मेन वर्ड से ही सब कुछ होता है, अगर मेन वर्ड नहीं होगा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो मेन वर्ड के बारे में हमने बात की, क्वालिफायर के बारे में बात की, और हमने बात की आपकी डिटरमाइनर के बारे में। तो तीन पार्ट्स थे जो हमने आपको डिस्कस कराए इसके। उसके बाद अब हम बात करेंगे प्रेडिकेट की, ठीक है। तो देखिए प्रेडिकेट को हम लेते हैं प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट को हम कितने भागों में बांटेंगे ये हमें यहाँ देखना है, ठीक है। तो देखिए अगर कोई भी एक सेंटेंस होगा तो उसमें एक प्रेडिकेट अवश्य होगा, ठीक है। एक प्रेडिकेट अवश्य होगा, तो एक प्रेडिकेट होता है तो प्रेडिकेट में क्या होता है, ऐसा हो सकता है कि उस प्रेडिकेट में केवल केवल एक वर्ब आ जाए, वर्ब से ही कंप्लीट हो जाए वो प्रेडिकेट। कैसे? जैसे मैंने लिखा ही प्लेज, वह खेलता है, ठीक है। तो इसमें जो सब्जेक्ट को अगर हम छोड़ दें, सब्जेक्ट को, उसके बाद क्या रह गया, ये हमारा रह गया प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में भी ये क्या है, ये तो वर्ब है। प्रेडिकेट में ये क्या है, ये वर्ब है। तो इस तरह से एक वर्ब से भी ये पूरा हो सकता है प्रेडिकेट, ठीक है। उसके बाद क्या आ सकता है इसमें, उसमें इसमें दो चीजें और आ सकती है। कौन कौन सी चीज आ सकती है? दो, तो देखिए दो इसमें आ सकती है। एक तो आ सकता है इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट क्या आता है, और ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये दो पार्ट्स और बन सकते हैं प्रेडिकेट में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक आपको बता दिया, अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम अभी इसे साफ कर देते हैं, आपके लिए बनी हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, डायरेक्ट को कैसे पहचानेंगे, तो पहले मैं ले लेता हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। इसे ले लेता हूँ, डायरेक्ट ले लो या इनडायरेक्ट ले लो आपकी इच्छा। तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले लेते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह देंगे मेरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है? आप वर्ड लगाइए, वर्ड लगाइए प्लस में आप वर्ब लगा दीजिए, और जब आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे एक सेंटेंस हम ले लेते हैं इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, ही या सी रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक, ठीक है। वह क्या पढ़ती है? एक किताब पढ़ती है। अब देखिए जो वर्ब है, वर्ब के साथ अभी वर्ब से आए क्या लगाना, वर्ड लगाना है। हम लिखेंगे यहाँ पे वर्ड प्लस रीड्स, वर्ड रीड्स। तो क्या पढ़ती है, क्या पढ़ती है, वर्ड रीड्स क्या पढ़ती है, तो क्या पढ़ती है, अब बुक पढ़ती है। तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, अब बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से आप ऐसे कोई सेंटेंस लगा हुआ उसमें ऐसे क्वेश्चन करेंगे वर्ड रीड्स, वर्ड के साथ वर्ड लगा के करेंगे तो आपको मिल जाएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप इसे पूरा सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे प्रेडिकेट में क्या देंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में देखेंगे कैसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं सेंटेंस में, ठीक है। देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना और भी आसान है, उससे भी ज्यादा, ठीक है। जैसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें, यहाँ पे लिख लेता हूँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या करना होता है, देखिए जैसे कोई सेंटेंस आता है उसमें क्या करना पड़ता है, हमें वर्ब वर्ब प्लस टू हूम लगाना पड़ता है। टू हूम लगा के आप क्वेश्चन करिए, वर्ब प्लस टू हूम लगा के आप क्वेश्चन करिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे मैं लिखूं ही गेव मी
गिफ्ट, गिव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे क्या दिया, एक गिफ्ट दिया। ठीक है, तो अब हम कैसे लगाएंगे, हम लगाएंगे गेम टू हूम, गेम टू हूम, किसको दिया, किसको दिया, तो किसे दिया है, मी को दिया है, किसे दिया है, मी को, तो मी हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर उसने किसे दिया, ठीक है, किसे दिया, किसे दिया, मी को दिया। अब मैं यही पे क्वेश्चन करूं कि वॉट प्लस वर्ब का लगाया, गिव, वॉट गिव, क्या दिया गया, तो क्या दिया गया, अब गिफ्ट, अब गिफ्ट हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब गिफ्ट हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें एक कंडीशन और आप जान लीजिए, एक कंडीशन क्या हो सकती है कि हमने यहाँ पे देख बता दिया आपको, अब यहाँ पे हम इसी सेंटेंस को लिखूंगा, मैं फिर से देखना, और इस सेंटेंस में मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं रहेगा हमेशा कि आप इसमें एक घटना संभाल लो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आगे आता है, ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये उसके पीछे आ जाए, अब पीछे आ जाए तो आप तो यही नियम लगा के रख लेगा कि हाँ सर ने बताया था कि ऐसे कर ले। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि बाद में आ जाए, जैसे ही गेव अ गिफ्ट टू मी, ठीक है, ही गेव अ गिफ्ट टू मी, अब हम जैसे ही हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, वर्ब गेम प्लस टू हूम, ठीक है, तो टू हूम किसे दिया गया, ठीक है, तो किसे दिया गया, मी को दिया गया, मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब फिर हमने वही क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, क्या करेंगे, वॉट लगाएंगे, वॉट गिव इक्वल टू क्या दिया गया, क्या दिया गया, अ गिफ्ट, तो अ गिफ्ट क्या हो जाएगा, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ये जो है टू, देखिए अब क्या है कि ये जो है ना, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चला गया है, तो इसे हम कैसे पहचान सकते हैं, तो इस टू की जगह कौन कौन से आ सकते हैं, या तो टू आएगा या ऑफ आएगा, ये पहचान है आपकी, इसके आगे अगर बाद में लगा होगा तो टू या ऑफ आएगा, उनमें से एक हो जाएगा आपका, तो इस तरह से आप इनको पहचान सकते हैं। अब देखिए, एक कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, तो उसे कैसे पहचानते हैं, जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों का कंबाइन मिश्रण होता है, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉम्बाइन मिश्रण होता है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें हो जाएगा, जैसे ही टोल्ड मी अ थीफ, ठीक है, तो ये जो अ थीफ है ना, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, किसे, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, अ थीफ को हम पूरे को यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, ठीक है, और आपका ये क्या हो जाएगा, मी एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी आपको मालूम पड़ना चाहिए, इसे भी हम कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए अब एक्सरसाइज करेंगे, तो के बारे में सबके बारे में कर दिया, और इसमें एक पॉइंट नोट करके और लिख लेना, देखिए जो किट होता है, देयर होता है, ये क्या होते हैं, ये सब्जेक्ट का पार्ट को करते हैं, पर इनका कोई अर्थ नहीं होता है, इनका देयर तो होता है, देखिए नोट पर लिख देना, नोट करके, ठीक है, जैसे किट होता है, किट होता है एक, ठीक है, और एक होता है देयर, ये सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, पर इनका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है, जैसे मैं लिखूं किट इज विंटर, क्या है, सर्दियां हैं, ठीक है, तो इसमें इट का कोई भी नहीं मिलेगा, क्या हम लिखे, देयर इज अ ट्री, एक पेड़ है, ठीक है, इस तरह से यहां भी देयर का कोई भी नहीं है, और ये सब्जेक्ट का काम करता है यहाँ पे, इस तरह से ये होते हैं इंट्रोडक्टरी, ठीक है, इंट्रोडक्टरी इन्हें कहते हैं हम, ठीक।
तो आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसी टॉपिक में अभी भी पोस्टर रह गया है, तो आज पार्ट टू आपका कंप्लीट हो गया और आगे आप इसके ऐसे करिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाइए और क्वेश्चंस अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, ठीक है। तो आज वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।